आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी मेरे तरफ से बना हुआ स्पेशल मिठाई, जो मार्केट में नहीं बनेगा, जो घर पे ही आपको बना के खानी पड़ेगी, क्योंकि ये घर का मन पसंद खुद के मन से बना हुआ मिठाई है। उसके लिए हमने सबसे पहले पानी ले लूँगी, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लूँगी, उसके बाद इसमें दूध डालूंगी। मैंने इसमें 3 पैकेट दूध यूज़ किया, अपनी आप आपके हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना यूज़ कर लेना। जब 1 पैकेट दूध बहुत अच्छे से पक जाए उसके बाद मैं दूसरा पैकेट डालूंगी। जब दूसरा पैकेट भी बहुत अच्छे से पक जाए, मैं डबल टन यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपकी अपनी पसंद है, आप कुछ भी दूध यूज़ कर सकती हो। मुझे डबल टन ही सूट करता है, इसलिए मैंने तीनों पैकेट, जब एक एक पैकेट करके बॉयल करूँ अच्छे से, उसके बाद दूसरा पैकेट डालूँ, ऐसा करके मैंने 3 पैकेट दूध डाला। और इसको बहुत अच्छे से जितना पकाते रहो उतना ही चलाते रहो, आप करछी से उसको हिलाते रहो, नहीं तो नीचे से वो जलने का डर होता है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए, अच्छे से तीनों पैकेट डालने के बाद अच्छे से बॉयल आए, हल्का सा हमने गोविंदभोग चावल ले लिया है। देखो गोविंदभोग चावल ऐसा है ना कि जो लोग खाते हैं, बिहार हो गए, कलकत्ता हो गए, ऐसे लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। ये चावल होता है जैसे भगवान की प्रसाद बनती है ना, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ये चावल ना मलाई की तरह खुशबू होती है, इस चावल में बहुत अच्छा खुशबू आती है। जैसे दूध पकाते पकाते रखो तो जो अच्छा सा एक फ्लेवर आते हैं ना, उस तरीके का फ्लेवर है इस वाले चावल में, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। हमने क्या किया, चावल जो पीस के लिए, थोड़ा सा चावल लिया, उसको पीस के दूध में डाल दिया, उसको बहुत अच्छे से पहले पकाया। जब चावल पूरा पक गया, जब ठीक हो गया, देखो दूध कितना ठीक हो गया ना, क्योंकि चावल भी डाला थोड़ा सा हमने, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें, मैंने जो पाउडर आती है ना पैकेट, मैं तो 10 वाला 2 पैकेट डाल दिया, उसमें ही हो गया, तो हमने 2 पैकेट इसमें पाउडर दूध का डाल दिया है। अब इसको लम्स ना रहे इसलिए बहुत अच्छे से इसको ना मिक्स कर दूंगी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ठीक होने के बाद नहीं डाला, हल्का हल्का लिक्विड है तभी डाला, ताकि वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए दूध के अंदर। इसमें चावल भी डाला था तो चावल ऑलरेडी पक चुका है, तो हम इसको अच्छे से लम्स निकालने तक इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे, कहीं पर भी अगर गुटली रहे तो वो बिल्कुल भी ना रहे। देखो अभी हमारा सारा गुटली खत्म हो चुका है, दिख रहा है आपको, सारा खत्म हो चुका है, कोई भी जरा सा भी दूध का ना लम्स नहीं बना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, या तो गुड़ या तो कुछ भी आप डालो, मीठा चीज़ आपको जो पसंद है वो डालो। हमने ना यूज़ किया इसमें खजूर का गुड़ जो कलकत्ता में मिलती है, एक दीदी आई थी कलकत्ता से तो उन्होंने मुझे ला के दिया था ये, तो मैंने वो रख लिया था संभाल के कि कभी कोई चीज़ बनाऊंगी तो उसमें ज़रूर ये डालूंगी। तो जब हमने अच्छे से गुड़ को इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद जरा सा इलायची पाउडर डाला, अभी जो मैंने डाला ये जरा सा ना के बराबर इलायची पाउडर डाला, ये हल्का सा नमक डाल रही हूँ। मीठा चीज़ में हल्का सा नमक डालो तो मीठापन बहुत अच्छे से, एक स्वाद अच्छा आता है। बिना नमक का मीठा बना के देखना और नमक डाल के मीठा बना के देखना। अब इसमें हमारा ऑलरेडी थिकपन हो चुका है, उस टाइम भर के 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी घी। चम्मच से निकालना तो अजीब सा होता है, इसलिए मेरे पास रबर वाला करछी होता तो मैं तो उसी में ईजी हो जाता ना, एकदम कोने से भी निकलते हैं तो आराम से, थोड़ा सा कम भी था घी इसलिए हमने ये करछी यूज़ किया ताकि आराम से सारा घी निकल जाए। तो हमने घी डाल दिया इसमें। अब इसको बहुत अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम से ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ड्राई नहीं होगा तो हमारा जो मिठाई है ना वो बिल्कुल पिलपिला सा होगा। तो अगर बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से एक जैसे संदेश होती है ना, उस तरीके का पीस बनेगा, सोन पापड़ी हो गया इस तरीके का पीस बनेगा, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है किसी को, दो तो खाने में मज़ा भी आता है, देखने में भी, खाने में दोनों मज़ा आएगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करते हो, नारियल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नारियल नहीं यूज़ किया ना मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ की इसमें। इसमें मैंने सिंपल तरीके से बनाया, आपकी पसंद हो तो आप इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना सकती हो। इसको हम बहुत अच्छे से सुखाएंगे ताकि पिलपिला पर बिल्कुल ना रहे, क्योंकि इसमें चावल डाला हुआ है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब हमने इसको जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया, हमारा हो चुका था, जैसे ठंडा हो गया हमने एक बर्तन में सारा निकाल लिया है।
अब हमने आप बाहर ठंडा करो या तो फ्रिज में 2 घंटा ठंडा करने के बाद इसको काट लो। मैं तो चौकर में काटी, आपको जैसे पीसेस बनाना है वैसे पीसेस बना सकती हो। ऐसा करके चौकर चौकर मैंने पीसेस बना के फटाफट करके एक एक पीस अलग कर, देखो ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, हमने अच्छे से ड्राई किया ना, तो देखो ये पिलपिलापन नहीं है, क्योंकि चावल है थोड़ा थिकपन होता ही है, थोड़ा चिपकता है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से ड्राई किया इसलिए ये चिपक नहीं रहा है। मैंने सारा मिठाई के ऊपर एक एक करके किशमिश डाल दिया है। आप बनाओ, खाओ और इंजॉय।